नहीं, अशोक राव पाटिल मैम, 4 मिनट्स, 4 मिनट। पहले वाले स्पीकर ने आदेश के अनुसार ज्यादा समय कहा था कि और बढ़ा देंगे। धन्यवाद सर, आप मालूम है मुझे देंगे, आप मुझे दो। सर, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भी बिल आया है, रिजर्वेशन का हो, रीऑर्गेनाइजेशन का हो, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। 5 अगस्त 2019 का दिन मुझे याद है, जब हमारे सामने बैठे हुए अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, उन्होंने इसी सभागृह पटल, पुरानी बिल्डिंग थी, पटल पे बोला था, आश्वासन दिया था कि जैसे ही जम्मू और कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहाँ पे हम चुनाव भी लेंगे और उनको स्टेट्यूड भी देंगे। वो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी 4 साल हो गए, एक तो स्थिति सामान्य नहीं है ये कबूल करो, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है, हर रोज़ टारगेटेड किलिंग हो रहा है, आतंकवाद थमा नहीं जा रहा है, और फिर आप चुनाव भी नहीं ले रहे हैं, ना चुनाव ले रहे हैं, ना हमारा स्टेट्यूड वापस दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर, ये हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, वो जम्मू कश्मीर को अपनी ही रियासत मांगने के लिए आपके सामने आज गुड़गों पे आना पड़ता है, वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, जो दावे किए थे उन्होंने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो खोखले हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कि उन्होंने दो जो विषय हम मांग रहे थे बार बार, और जिसकी चर्चा, क्योंकि मैं हर रोज, हर 15 दिन में जम्मू कश्मीर जाती हूँ, तो वो बोलते थे हमें कुछ मत दे दो, हमारा, हमें रियासत वापस दे दो और हमें हमारे चुनाव करवा दो। ये दो चीज़ें वो चाहते थे, और वो दोनों भी चीज़ें देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया डिक्लेयर कर जाहिर कर दी है। उसके लिए मैं आपके द्वारा सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था कि हम 31 दिसंबर 2023 के पहले हम चुनाव लेंगे। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि जब तक 30 सितंबर 2024 तक ये चुनाव होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी उनके मुंह पे चपराक है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात यहाँ पे बार बार कही गई, कश्मीरी पंडित हो, पीएजेके के लोग हो, ST SC, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर, ये सभी लोग जब जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग बनते हैं, उनको जब आप बोलते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ गई जब आप इन लोगों को साथ में नहीं लेंगे। कश्मीरी पंडित 33 ईयर्स से विस्थापित होकर अपने ही देश में रह रहे हैं। सर, आपको मुझे बताना बहुत दुख की बात होती है कि उनके बहुत बड़ी लोगों से हम मिले, लेकिन जब अपने ही देश में विस्थापित होकर कहीं रहना पड़े तो ये सबसे दुख की बात होती है, और वो कश्मीरी पंडितों को करनी पड़ी। जब तक उनको पूरी सहूलियत से घाटी नहीं ले जाते, तब तक आइडिया ऑफ इंडिया का दावा अपना खोखला रह जाएगा। जो भी उन्होंने दिया है, दो जगह कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें से एक महिला है, एक पुरुष है, और एक हमारे SC ST बकरवाल के लिए, इज़ टू लिटिल टू गुड। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे पटल पे रखना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आए थे, तो राहुल जी ने हर कश्मीरी पंडित का दुख महसूस करने की कोशिश की। जगती में जहाँ पे रिहैबिलिटेशन कैंप है उनके, वहाँ पे वो गए, उनको मिले वो, और सब लोगों से बात करके उनको गले लगा के उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की। 370 की बात जब निकलती है, तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो स्वयं, मैं बताना चाहूँगी कि स्वयं एक कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित साहब, और सर एक मिनट सर, लेकिन उनको भी कटघरे में खड़ा करने के लिए कसर नहीं अमित शाह जी ने। मुझे बहुत दुख होता है जिस तरह से उनके ऊपर चर्चा की जाती है, जिस तरह से उनके ऊपर कुत्सित नज़र से बोला जाता है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाला ज़माना कभी माफ़ नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना या नहीं तय नहीं हुआ था, तब फारूक अब्दुल्ला के कहने से हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसके ऊपर साइन नहीं किया, जो हमारा ऑर्डर होता है उसके ऊपर साइन नहीं किया। तो इसलिए फिर जब तक जम्मू कश्मीरी, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं,
कमाई ली, वो जब तक एयरपोर्ट तक आ गए थे तब उन्होंने बोला कि अभी मैं साइन करता हूँ, फिर साइन करने का निर्णय लिया गया और ये कबाइली लोगों के साथ फिर उन्होंने एक हमला कर दिया। सर, जम्मू कश्मीर को अगर इस देश का अभिन्न अंग बनाने का श्रेय अगर इस देश में किसको जाता है तो मैं सभी आपको नम्रता से कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में आया। और ये सच है, अगर सच नहीं सुनना पसंद करोगे तो मत सुनो, लेकिन सिर्फ पंडित नेहरू जी ने ही जम्मू कश्मीर को अपने स्टेट देश में संलग्न कर दिया। हमारे परिवार में, हमारे परिसर परिवार में जब कोई पुरुष बहुत अच्छा काम करता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया, और पूछते हमारे, हमें भी सबका अनुभव आता है, इतना बेचारे ने किया होता है पूरे घर के लिए, बच्चों के लिए क्या होता है, उनको ही आप आग दिखाओगे और पूछोगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये सही बात नहीं है। कम से कम उनकी अवहेलना मत करो, इतना ही मेरा यहाँ पे कहना है। आंतरिक सुरक्षा के लिए दो मिनट में कहूँगी सर मैं, आंतरिक सुरक्षा जो है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं जाते हुए मैं बोलूँगी कि फरवरी 2021 में स्वर्गीय आकाश बेहरा जो श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबा का मालिक था, और वो आतंकी हमले में मारा गया गुलाम अली साहब। मैं सब लिस्ट दे देती हूँ आपको कितने लोग मारे गए। वो मार्च 2025 लावेपुरा में एक आतंकी हमले में 3 जवानों की शहादत हुई। मार्च के महीने में म्यूनसिपल काउंसिलर और एक जवान सिपाही को अपनी जान जवानी गंवानी पड़ी। और ये सब बातें सरकार के खोखले दावों को खुला कर देती है। सर, कांग्रेस का नाम लेते हैं लेकिन जब अत्यंत कठिन परिस्थिति थी और जब आतंकवाद का थैमान मच रहा था, तब श्रीनगर में हमारे कितने लोग मारे गए कश्मीर कांग्रेस के, इसका अगर लिस्ट आपको चाहिए ये तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगी। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग इसमें, मंत्री, स्पीकर सब मरे हैं उसमें। और हमारा कांग्रेस का खानदानी हम था, DNA ही यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर एक ने जान दी है इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, हर एक ने जान दे देकर यहाँ तक आई है। और ये आजकल के बच्चे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, अरे ये देश अगर खड़ा है, ये देश में आप बोल रहे हो, इस देश में आप बोल रहे हो, तो ये हिम्मत, ये ताकत आपको कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। मिलिटेंसी के टाइम में आप कहाँ थे तब? सरकार के दावों को झुठलाते हुए बहुत मासूमों ने अपनी जान बचा गवाई। सर, इन्होंने बोला गुलाम अली साहब का, मैं ध्यान से देख रहे थे क्योंकि अपने गवर्नमेंट, अपने सदन में एकमात्र सदस्य है कि जो जम्मू कश्मीर से आता है, जम्मू से आते हैं। पहले तो मैं उनको नहीं जानती थी, अभी मुलाकात हो गई तो उन्होंने बोला कि अभी दो एक दुकान था, दो दुकान हो गए, ठेकेदारी बढ़ गई। अरे ठेके किसको देते हैं गुलाम अली साहब? गुजरात के लोग लाके उनको ठेके देते हैं आप, कहाँ यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं देते हैं आप, सिर्फ गुजरात के लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके पैसे भर जाते हैं, क्या करते हैं आपका हिम्मत कैसे? आप हॉर्टिकल्चर है, सरकारी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री मानी जाती है, सभी जगह पे यही हालत है। आज के दिन में हमारे 10,000 लोग हमारे घर में बैठे हुए हैं, जो Twice the time, yes, sir. Okay. और मैं बताना चाहूंगी सर कि जो अभी बात किया किसने, इंदिरा जी के लिए भी बोला हमारे विजय साई रेड्डी ने, इंदिरा जी उन्होंने जो थी, जिन्होंने पहले कश्मीर के लिए रास्ते तैयार करने का काम किया, ऑल रीजन्स वेयर कवर्ड बाय मेडिकल कॉलेजेस UPA। अमित शाह जी बोल रहे थे कि श्रीनगर, इसमें जम्मू कश्मीर में IIT IIM नाम लेते हैं। IIT IIM की शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की, हमने किया है वहाँ पे IIT IIM। 4 लेनिंग जम्मू से लेके श्रीनगर तक हमने किया है, 33% रिजर्वेशन हमने किया है, रिहैबिलिटेशन पैकेज मनमोहन सिंह जी ने दिया है और उसमें हर कश्मीरी पंडित वहाँ अभी भी रहता है। और उनको इन्होंने 5 लाख रुपए देने का शब्द दिया था, वो भी नहीं दिए। और अभी 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 पिक्चर निकालते हैं कश्मीर फाइल्स, कहाँ की कश्मीर फाइल? पहले अपनी फाइल खोल के देखिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, कि बाला साहब ठाकरे, इन्होंने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडितों के लिए पहली बार रिजर्वेशन दिया था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। महाराष्ट्र वॉज द ओनली स्टेट कि जहाँ पर रिजर्वेशन मिला वो बाला साहब ठाकरे ने दिया था। जरा फर्स्ट टनल कांग्रेस ने किया है
और ये सब करते हुए भी मैंने जैसे बोला कि परिवार के बच्चे जैसे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, जब जो दुख और दर्द होता है वही दर्द हमें होता है। ये जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अनाप शराप करते हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं एक ही अंत में कहूंगी कि जम्मू कश्मीर में जो नॉमिनेशन है 3 सीट्स का आप कर रहे हो, उसमें लिमिट मत करो सर, उसको लिमिट मत करो, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको मुहाजिर बोलते हैं, और हमें यहाँ मुहाजिर नहीं बनाने हैं, हमारे लोग हैं वो, उनको मुहाजिर क्यों बनाए हम? तो उनको मत बनाइए, उनको अगर आप चाहते हैं तो गुज्जर हो, हमारे SC ST हो, उनको मुहाजिर मत बनाए। सिक्किम में आपको मालूम है सर, सिक्किम में सांघा 32 किया है, वैसे अगर कर सकते हैं तो सिक्किम में 32 जैसे किया है सांघा, वैसे भी कर हम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही बात करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं तो इस तरह से कोई ना बोले कि जिससे हमारे लोगों को कहीं ना कहीं कम दिखाने का, नीचा दिखाने का काम हम करें। ये पार्लियामेंट है, बहुत उच्च सदन है, सर्वोच्च सदन है, यहाँ पे एक दूसरे का सम्मान हमने करना चाहिए। जिस तरह से पहले कुछ भी नहीं हुआ, अभी अभी हिंदुस्तान का जन्म हुआ ऐसे बोला जाता है, ये जरा थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद सर। सर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हर पता मैंने आपको समय क्यों दिया जी। थैंक यू सर, जब जम्मू एंड कश्मीर में जी आप श्रीनगर में थी जी, हंस रही थी, आनंदित थी, मैंने आपको फोन किया था जी। अब वो भी एक तस्वीर थी जिसका आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, मुझे बोलने नहीं दे रहे और आपने मुझे संकट में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, DNA ऑथेंटिकेशन की बात करूं नहीं करूं, आपने तो कह दिया। नहीं सर, यू आर ऑलवेज देयर विद अस। डॉक्टर M. थंबीदुराई।